नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पीछे पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का हम लोगों ने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं नया चैप्टर पढ़ने के लिए और इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड सिंपल थ्योरीज। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। तो पहला क्वेश्चन मार्क, वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। तो इसमें देखिए पहला रीजन अगर हम लोग देंगे फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट, पहला रीजन कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरा रीजन क्या होगा, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, उसका दो रीजन है कि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है और दूसरा स्टेबिलिटी के लिए। इस अगर इसमें मेन रीजन देना जाए तो ये होगा फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि ऑक्टेट रूल आगे चलकर कुछ एलिमेंट पर फेल हो जाता है। तो यहां पे देखें हम लोग पहले समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग बहुत किए रहते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखिए केमिकल बॉन्ड कहता है किसी एक मॉलिक्यूल में दो एटम को कोई ऐसा फोर्स जो होल्ड किए रहता है उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या कहा मैंने कि किसी दो एटम को कोई ऐसा फोर्स जो होल्ड किए रहता हो उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखें, केमिकल बॉन्ड द फोर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल responsible to hold of atom in a molecule। क्या हुआ, the force that are responsible to hold of atom in a molecule called chemical bond। अब उसके बाद आता है कि केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं। जो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। द फोर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड केमिकल बॉन्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ये हो गया। अब उसके बाद वर्ड आता है वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं। वैलेंसी मतलब होता है कैपेसिटी। वैलेंसी का टर्म जो था सबसे पहले फ्रैंकलिन ने दिया था 1954 के आसपास दिया था, उन्होंने वैलेंसी वर्ड को डिफाइन किया। वैलेंसी मतलब होती है कैपेसिटी। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में, तो किसी एक एलिमेंट के कितना ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है ना। टू फॉर्म बॉन्ड ऑफ एन एटम या ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है, हो गया। द कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये तो बात हो गई वैलेंसी की। जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन कर दें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p3, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम यानी कि वैलेंस शेल में अगर कितने जितने इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 5 है, तो यह मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 5 बना सकता है। मिनिमम कितना ही रखता है, यानी कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी मैक्सिमम वैलेंसी होती है। किसी कंपाउंड में अगर हम लोग नाइट्रोजन में देखें, सॉरी अमोनिया में, तो देखिए नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, 1 2 3, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी हुई 3।
मतलब क्यों? क्योंकि ऐसा है, नाइट्रोजन ने इस मॉलिक्यूल में तीन बांड बनाया है, इसीलिए इसकी वैलेंसी पांच सॉरी तीन हुई। अगर एग्जांपल लेते हैं PCl3 और PCl5, PCl3 में देखें फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कितने बांड हैं? तीन, वैलेंसी कितनी होगी? तीन। PCl5 में देखें Cl Cl, अब इसमें देखें कितना बांड बना है, एक दो तीन चार पांच, कितनी वैलेंसी हुई? पांच वैलेंसी। तो देखें फास्फोरस नाइट्रोजन के ग्रुप में था, इसीलिए वो मैक्सिमम पांच की वैलेंसी शो किया। तो कोई भी एटम जिस ग्रुप में होता है वो उतनी वैलेंसी शो करता है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी एटम जितने जिस ग्रुप में होता है उतने की वैलेंसी शो करता है, या कहने का मतलब ये है किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना मैक्सिमम बांड बना सकता है, वही उसकी वैलेंसी होगी, उससे कम भी बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें PCl5 और PCl3 में, PCl5 में पांच बांड था, वैलेंसी थी पांच, PCl3 में तीन बांड बनाया, वैलेंसी थी तीन। बात क्लियर हो गई ना कि वैलेंसी क्या होती है। अब पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है। देखिए पहले स्टार्टिंग में यह माना गया कि कोई भी एटम अगर उसके वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मॉलिक्यूल या वो एटम बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आप एग्जांपल देख ले नोबेल गैस का, उसके वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल माना जाता है। तो ये कंडीशन मानी गई स्टेबिलिटी के लिए कि कोई भी एटम के या मॉलिक्यूल के अगर उसके पास वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबल माना जाएगा। तो इसीलिए कहा गया इस थ्योरी में कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एटम के वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड या वो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा, और इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, और इस आठ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ही वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये थ्योरी आगे चल के फेल हो गई। कहां पे फेल हो गई? आगे चल के ये थ्योरी फेल हो गई। तो अभी देखें ऑक्टेट रूल में क्या होता है। व्हेन एन एलिमेंट है एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल देन दीस एलिमेंट आर स्टेबल। क्या होगा? ये एलिमेंट स्टेबल होगा फॉर फॉर एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल द एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड देन दीस रूल आर कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है ना? क्या है? When an element have eight electron in valence shell, then these element are stable। अब क्या हुआ? For eight electron in valence shell, the element form bond and then these rule are called octet rule। हम इसीलिए उस रूल को octet rule कहते हैं क्योंकि octa मतलब होता है आठ। लेकिन जैसे देखिए आप इधर देखें, नाइट्रोजन के पास valence shell में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या किया? तीन बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? तीन बांड बना लिया। अब देखिए तीन बांड, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? छह, छह दो आठ। लेकिन यहां पे देखिए PCl3 में देखिए फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन दो दो तीन दो छह, एक बांड के लिए दो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास दो लोन पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर है, तो हो गया आठ। लेकिन यही एग्जाम्पल देखिए PCl5 में पी देखिए कितने बांड है? तीन चार पांच, और एक बांड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है तो हो गया इसके पास दस इलेक्ट्रॉन। और ये बताऊं कि ये कंपाउंड बहुत स्टेबल भी है, तो इसीलिए आप इसमें देखें SF6 सल्फर फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे
फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। आप देखिए कितने बॉन्ड है, एक दो तीन चार पांच छह, छह दुनी बारह, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बारह इलेक्ट्रॉन है। अब फिर भी ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो इस हिसाब से देखें तो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसके पास आठ इलेक्ट्रॉन होगा वही थ्योरी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहां पे देखें कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है, तो इसीलिए आगे चल के ये थ्योरी फेल हो गई थी। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, उसको हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे। पीछे मैंने हुन रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।